कर ली जाए जो सबकी झोली भरते हैं, सबका बेड़ा पार कर देते हैं, उनके दरबार में आकर सबकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। एक तरफ साईं सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो दूसरी तरफ साईं के लाखों लाखों भक्त दिल खोलकर दान भी करते हैं। ऐसे में अगर गुरु पूर्णिमा हो तो भक्तों की अटूट श्रद्धा अलग ही नजर आती है। तीन दिन के गुरु पूर्णिमा के उत्सव में शिरडी में चढ़ावे के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए। देखिए, ये वो चढ़ावा है जिसे शिरडी के साईं बाबा को उनके भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भेंट किया है। तीन दिन तक चले गुरु पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर जिस अंदाज में ये भक्त झूमते गाते साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे, उसी अंदाज में भक्तों ने खुले दिल से बाबा को गुरु दक्षिणा भी दी। गुरु पूर्णिमा उत्सव 2 से 4 जुलाई तक चला। देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के दरबार में मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया। यही नहीं, सबसे ज्यादा गुरु दक्षिणा का रिकॉर्ड भी बनाया। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस बार भक्तों ने साईं बाबा को 7 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया। शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं ने 3 दिनों में 7 करोड़ 3 लाख रुपए दान किए, जबकि पिछले साल 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा का चढ़ावा आया था। इस बार दान पात्र में 2 करोड़ 85 लाख रुपए, डोनेशन काउंटर पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए, पेड दर्शन के माध्यम से 70 लाख रुपए, 472 ग्राम सोने के आभूषण और 4 किलो 600 ग्राम चांदी प्राप्त हुई है। यह गुरु पूर्णिमा का 3 दिवस का टाइम में 7 करोड़ से ज्यादा डोनेशन संस्थान को प्राप्त हुआ।